रनआउट डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ, काफ़ी लोग टिप्पणी भी करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी देते हैं कि सर ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें पुरुषार्थ मजबूत भी हो, वीर्य की नवीनता स्थिति है वो भी बढ़े, वीर्य में गाढ़ापन हो और शक्राणु भी बढ़े। इसलिए आज घरेलू उपचार में आपको बता रहा हूँ जिसमें आपको आप कोई पुरुषार्थ की दिक्कत हो, गुप्त रूप की दिक्कत हो, लिंग उत्थान में दिक्कत हो, तनाव में दिक्कत हो और संभोग करने में असुविधाएं, असहज महसूस करते हों, उसके लिए सरल निरापद घरेलू उपाय जिसमें शुक्राणु भी बढ़े, वीर्य गाढ़ा भी हो, ये आज बता रहा हूँ। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर गुणा सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ व्यक्ति में शुक्राणु की कमी होने से, वीर्य का पतलापन होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बचपन की गलतियों के कारण शादी से पहले या शादी के बाद अक्सर ये एक चिंता सताती है कि उन्हें गुप्त रोग है, किसी को बता नहीं सकते, न सह सकते, न रह सकते। इसलिए ये किसी को न कहें, ऐसे भी कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो उन लोगों के लिए सरल जो बातें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। कोशिश कीजिए कि सूखे मेवे जो होते हैं जैसे बादाम है, अखरोट है, उनका आप इस्तेमाल करें। काजू इसमें काम नहीं करेगा, पर बादाम और अखरोट अच्छे काम करेंगे। जिंक वाले जो भोजन होते हैं, डाइट टूटी है, आप जिंक वाला भोजन लीजिए। डाइट चार्ट में आप देखिए कि आपके भोजन में जिंक की कमी तो नहीं है, कमी वाला जो भी आहार है उससे आप पूर्ति कीजिए। जड़ी बूटियों में चाइना में एक जैसे जिनसेंग चलती है, तो इंडिया की जिनसेंग है वो अश्वगंधा। अश्वगंधा पे बहुत शोध हुआ है, बहुत लोग शोध कर रहे हैं, इसलिए अश्वगंधा आप ले सकते हैं। अश्वगंधा को घी के अंदर सेक के लीजिए, ज़्यादा काम करेगा। अश्वगंधा किस है, जैसे ही सफ़ेद मूसली और सतावर, सतावरी भी आपके लिए फायदेमंद है, सफ़ेद मूसली भी फायदेमंद है। इन चीज़ों का अगर आप उपयोग करेंगे तो आपके शरीर में जो दुर्बलता है, कमजोरी है, वो दूर होगी और आप अपने आप में अच्छे पुरुषार्थ महसूस करेंगे। इसमें एक चीज़ और मैं बता दूँ, गोखरू, कांटे गोखरू। गोखरू दो प्रकार के होते हैं, छोटा और बड़ा, पर दोनों के एक ही रोल है, वो आपके लिए बढ़िया फायदेमंद साबित होंगे। तो मैंने जो जो आपको ये आइटम बताई है, आप इनको ला के घर में कूट पीस के रख सकते हैं। चूर्ण के वो सप्लीमेंट्री के रूप में आप लीजिए। बादाम को शाम को भिगो के अगर सुबह आप लेंगे वो ज़्यादा फायदेमंद होगा, आपको बहुत फायदा देगा। कोई दिक्कत है टिप्पणी कीजिए, सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पर एक बात ये भी कह दूं कि मैं व्हाट्सएप पर लगातार आपसे सेटिंग नहीं कर सकता, एक सवाल का जवाब दे सकता हूं, उसके आगे अमान्य है।